वालेकुम जी, आज हम तीसरा मुहर्रम है और आज हम बनाने लगे हैं आलू चना चाट। मेरा दिल कर रहा था कि हम घर में कुछ बनाएं, तो उसके लिए जो है हमने पहले बहुत सारी चीज़ें डिसाइड की थी जो 9-10 मुहर्रम को हमने बांटनी है। तो मैंने सोचा हलीम वगैरह नहीं बनाते, बिरयानी ये हम ज़रा देग वगैरह में बनाएंगे। तो जिस दिन आपने घर में खाना बनाना होता तो उस दिन जो सुई गैस वो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो इसी तरह से मेरे साथ हुआ था कि मैंने ओवरनाइट जो चने हैं वो सोख करके रख दिए थे, बट बाकी चीज़ों के लिए मुझे आलू बॉईल करने थे, फिर चनों को भी बॉईल करना था। बहुत देर लगी लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया। लेकिन आज रूटीन के हिसाब से ज़रा लेट बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बन चुके थे आलू चना चाट। बहुत मज़े की बनी थी और हमने ये 2-3 डब्बों में अलग कर ली, बाकी हमने छोटे शॉपर बैग्स में ले आई थी बाहर से, मैंने उसमें बांटी है। आज बच्चों की पुपियाँ आई हुई थी तो मैंने कहा चलो आज का वंडी का काम तुम लोगों का, और मेरे साथ ये जो मेरी हेल्प के लिए बहन आती हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम करवा देती हैं ऐसे वैसे। तो जी आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो ज़रूर बताएं, और हम कल क्या बांटेंगे कल बताएंगे, और अगर आपका दिल करता है कि कुछ आप लोग भी अपने पास से बताएं तो इंशाल्लाह हम बांटने की कोशिश करेंगे। और आज ये मज़े वाली बात हुई थी, हमने बालू कुड़ियों के बदले बालू कुड़ियों एक्सचेंज की थी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।